गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करो और ये शो करो कि जब आप क्यूब करोगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो जो है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल 3। यहाँ पे हम मानेंगे कि जो ए है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो ए है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने यहाँ पे मान लिया है कि ए जो है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल 3, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 9 दिया है और 9 का जो डिविजल जो फैक्टर है वो 3 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 रख लिया, बी इक्वल 3 मान लिया है। तो हमने जो ए जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल हमने यहाँ 3 मान दिया है, क्योंकि जो 9 है 9 का फैक्टर 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 माना है। अभी हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज़ करना है। तो हमें पता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें a जो है वो डिविडेंड होता है, b डिवाइजर, q क्वेसेंट और r रिमाइंडर होता है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है, और जो b है उससे हमेशा छोटा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे b का वैल्यू हमने 3 माना है, तो इसीलिए हमारा जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो 0 से 3 के बीच की होगी। तो जो हमारी पॉसिबल वैल्यू है रिमाइंडर की वो 0, 1 और 2 हो सकती है, 0, 1 और 2 हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा रिमाइंडर जो है उसकी पॉसिबल वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। अब अगर हम 0 की हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू अगर हमने 0 रखी, फर्स्ट स्टेप में अगर हमने रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखी तो क्या होता है। तो अगर हमने रिमाइंडर की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 0 रखी है तो हमारे पास आता है a इक्वल 3q प्लस 0, a इक्वल 3q प्लस 0, जिसे हम a इक्वल 3q भी कह सकते हैं। अभी जो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्यूब करना है, तो इसीलिए हमने दोनों साइड का क्यूब किया, इसका दोनों साइड का क्यूब किया, तो हमें मिला ए क्यूब, और 3 का जब हमने क्यूब किया तो 3 3 9, 9 3 27 और क्यूब ओके 27 क्यूब। तो इस प्रकार हमें मिला ए क्यूब इक्वल 27 क्यू क्यूब। ओके, तो अभी हम 27 क्यू क्यूब है उसमें से हम क्या करेंगे कि जो 9 है उसको कॉमन ले लेंगे। हमने टेक 9 कॉमन, हमने 9 को कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमें पता है 9 के टेबल में 27 जो है 3 आता है, तो इसीलिए हमने 9 3 27 तो 3 को अंदर रखा और 9 को बाहर रखा, तो हमारा जो है 9 कॉमन आ गया और 3 हमारा अंदर है। तो इस प्रकार हमारे पास आया 9 और 3 क्यूब क्यूब। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हमारे पास है उस जो ब्रैकेट में हमारे पास डिजिट है उसकी जगह हम जो है उसकी जगह हम m रख लेंगे। क्या रख लेंगे बच्चों, m रख लेंगे। जो ब्रैकेट में हमारे पास है उसकी जगह हमने m रख लिया, क्योंकि जो ब्रैकेट जो नंबर जो ब्रैकेट में है वो जो है m जो नंबर ब्रैकेट में है वो भी इंटीजर है और m जो है वो भी एक इंटीजर है, इसीलिए हमने 3q के जगह हमने m रख लिया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो ब्रैकेट में नंबर है वो भी इंटीजर है, ये जो 3q क्यूब है वो भी इंटीजर है, और जो हमारा m है क्वेश्चन में हमें दिया है वो भी एक इंटीजर है, तो इसलिए हमने 3q क्यूब की जगह m रख लिया। तो इस प्रकार हमारी a क्यूब इक्वल 9m पहली वैल्यू आई। ओके, अभी दूसरा हमने पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यू मानी है r इक्वल 1। अगर हमने r इक्वल 1 माना तो a इक्वल 3q प्लस 1, तो हमारे पास आया a इक्वल 3q प्लस 1, हमारे पास आया a इक्वल 3q प्लस 1। ओके बच्चों,
तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल 3q+1। अभी क्योंकि हमें क्यूब करने कहा है क्वेश्चन में, तो हमने दोनों साइड को क्यूब किया तो हमारे पास आया a क्यूब और 3q+1, हमारे पास आया 3q+1 क्यूब, ओके होल ब्रैकेट क्यूब। अभी हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी होल ब्रैक होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। जब हमने ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ की तो हमारे पास आएगा a जो है, हमें पता है a जो है हमारे पास यहाँ पे जो a है वो है 3q और b जो है वो है हमारे पास 1, ओके। तो a की जगह हमने लिखा यहाँ पे 3q³, ओके। b की जगह हमने लिखा 1q। अभी जो 3a² b है उसमें हमारे पास आएगा 3 का, तो 3 ऐसे कैसे, a की जगह हमारे पास आएगा 3q² और b की जगह आएगा हमारे पास 1, क्योंकि हमें पता है कि a की जगह हमारे पास है 3q और b की जगह हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें पता है, ओके। तो इस प्रकार, और लास्ट में हमारे पास है प्लस 3ab² तो उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 3 का तो 3, a की जगह हमने रखा 3q और b की जगह हमने लिखा 1² ओके। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया, हमारे पास आएगा 27q³+1 प्लस 27q² + 9q, ओके। अभी जो हमारे पास, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म माने जो पावर है, पावर के अकॉर्डिंग हम इसे जमा लेंगे, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले और कम पावर वालों को बाद में। तो इस प्रकार हमने 27q³ जो है पहले ही आया हमारा, 27q² बाद में, 9q और 1 जो है वो सबसे लास्ट में चले गया। अभी जो हमारे पास 27q ये इतना है, क्यू वाले जो भी हैं उनमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 9 कॉमन लिया तो हमें पता है 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3 जा, तो इसलिए अंदर 3 आ गया। अगेन हमारे पास सेकंड बार 27 है, तो 9 के टेबल में हमें पता है 27 कब आता है, 3 जा। अभी लास्ट में हमारे पास 9 है, तो 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 जा। तो इस प्रकार हमारे पास जो है आ गया, इस प्रकार हमारे पास आ गया है यहाँ पे 9 3q³+3q² + q+1। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट में जो डिजिट्स हैं ये, इनकी जगह हम m रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ब्रैकेट में डिजिट्स हैं वो भी एक इंटीजर्स हैं, और हमें क्वेश्चन में ही पहले से दिया है कि m जो है वो भी एक इंटीजर है। तो इस प्रकार हम जो है 3q³ और q की जगह m रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9m+1। इस प्रकार r इक्वल, हमने जब 1 रखा तो हमारी जो a क्यूब की वैल्यू है वो आई 9m+1। अभी थर्ड जो हमने वैल्यू मानी है वो है when r=2। जब हम r=2 मानेंगे, हम यहाँ पे r=2 रखेंगे। अगर हमने r=2 रखा यहाँ तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई a=3q+2, ओके। अब हम दोनों साइड को क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा a³ 3q+2³, ओके। तो जब हमने यहाँ पे भी, हमें ऊपर जो हमने आइडेंटिटी लगाई थी वही सेम आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है, तो हमने यहाँ a³ + 2ab² + 2ab, यहाँ पे हमने जो ऊपर आइडेंटिटी लगाई थी वही हमने यहाँ लगाई है, a+b³ = a³+b³+3a² b + 3ab² वो आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई, तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो आया 3q³+2q+3 × 3q² × 2+3 × 3q+2² जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 का जो क्यूब है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 क्यूब आया। इसी प्रकार इतने को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 3 = 6 और 6 × 9 = 6, 3 × 3 = 9 हो गया यहाँ पे, तो 6 × 9 = हमारे पास आया 54q² ओके। अभी आगे है हमारे पास 2 × 3 = 9
और 9 मल्टीप्लाई 4, इसलिए 36 आया हमारे पास, और 2 का क्यूब जो है हमारे पास आ 8। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब क्यू प्लस 8। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास जो है जो ये क्यू वाले जो भी डिजिट्स है उनमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। फिर से यहाँ पे हमने 9 को कॉमन ले लिया, और 9 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास 9 के टेबल में 27 हमें पता है 3 जा आता है, 54 6 जा आता है, और 36 4 जा आता है। तो इस प्रकार हमारे पास आया 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, और बाहर है हमारे पास प्लस 8। तो इस प्रकार अभी हमारे पास जो ब्रैकेट में डिजिट्स हैं उनकी जगह हम वापस से यहाँ m रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट में क्यू वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो एक इंटीजर्स हैं, तो उनकी जगह हम m रख सकते हैं। तो इस प्रकार 9m प्लस 8 हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया, सो वी से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म 9m 9m 1 प्लस 9m प्लस 8 इज पॉसिबल। ओके, तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।